छैया भुइया के टाइम में तो मतलब लोगन मन तो हम एकदम भगवान जैसे मतलब माने धली से एकदम। जब हम ना जैसे प्रमोशन पर जान बिलासपुर है पूरा छत्तीसगढ़ घूमे हैं तो जहाँ गाड़ी रुके ना तो वहाँ पूरा कॉलिन बिछा दी और पूरा फूल बिछा दे तो फूल में हम चलन इतना मतलब भारी भरकम स्वागत करे मन तो मतलब बहुत अच्छा लगे कि अचानक से सब हो गए तो बहुत खुश हो कि नहीं भाई चलो ये भी एक अलग अनुभव है। तो वो चीज़ हमने देखे नहीं है इसमें गोदना गोदा ले री था ले ले रे ले ले रे बहुत फेमस हो रही से। और दूसरा गाना है बेल तरी बेलन बेलन तरी ढो बहु डोंगरी माँ सजन भाई मो जान पर ही तो लाल जही का गमोला राउत भैया हो। बोलिस के माया पिक्चर के चंपा खलिया ही करके तो पब्लिक मतलब ना बॉलीवुड के कलाकार छोड़ के मोर तरफ जो आना शुरू हो इसमें बोले भागो रे मतलब लाखों में पब्लिक। नमस्कार और जय जोहार संगवारी हो। आज हमारे बीच में है हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार संजू साहू जी। जिला आप मना देखे हो मोर छैया भुइया फिल्म में कार्तिक और उदय के जो है माँ बने रही से ओखर अलावा भी ये मन बहुत सारा छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करे है साथ ही साथ बहुत अकन हिट गाना में भी काम करे। गीत के जैसे मैं चर्चा करूँ तो बेल तरी बेलन बेलन तरी ढोल हारे डारा लोर गहेगा और बात करबो तो गोदना गोदाले रिटा ले ले एखर अलावा भी बहुत अकन अच्छा अच्छा गाना है नाटक है एल्बम है बहुत लंबा अनुभव इखर मन के कला जीवन में। तो आज इखर सन गोर बात करबो और जानबो आखिर मोर छैया भुइया फिल्म में मतलब कैसे काम मिले रही सभी कहाँ रहना होते का काम होता चलते तो बिल्कुल आप मतलब पूरा जाने पर मिली संजू साहू जी के बारे में। तो आप ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं गोट बात के शुरुआत करता हूँ संजू साहू जी से। मैम सबले पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी सबले पहले आप जम्मू संगवारी मतलब संजू साहू के राम राम जय जोहार। और दिलीप सर जी आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन मोर यहाँ आए और मोर इंटरव्यू लेबर और मोर मितान चैनल बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। तो हमन आप मन ला देबो मैम काबर कि आप मन कीमती समय निकाल के समय देहो हमला मौका देहो आप मन संग बैठे के एखले तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद है। मैम आप मन ला बहुत समय से मन देखा था मोर छैया भुइया फिल्म वो समय जब रिलीज हो रही है सन 2000 के आसपास में और माँ के भूमिका जबरदस्त निभा रहे हो आप मन हाँ अनु शर्मा जी के और ये शेखर सोनी जी के कैसे रही से वो अनुभव ओला तो हमन हाँ जानबो सब। सबले पहले आप मन ये बताते हो कि आप मन के जन्म कहाँ हो रही से पढ़ाई लिखाई इला थोड़ा अपन के बचपन के जीवन ला बताते हो मैम। अब जन्म तो बोलो कि भिलाई के ही हूँ मैं हाँ तो भिलाई से ही है और यहीं के बेटी हूँ मैं हाँ। और भाई बहन में बोलो तो मैं अपन पापा के एक ही जनी बेटी हूँ। हम वो पापा भी बहुत अच्छा कलाकार है राइटर है डायरेक्टर है श्री वेद प्रकाश दास जी। बोलते ना ईश्वर के बाद कोई गुरु होते तो माँ बाप होते तो मोर सबसे बड़े गुरु जो है मोर पापा जी हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपन लाइफ में वेद प्रकाश दास जी जो है मेरे फादर में ओकरे द्वारा ही मैं आज बन पाए हैं। पढ़ाई लिखाई बात करबो तो मैम आपमन के पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो है। पढ़ाई लिखाई तो मैं कहे बचपन से मतलब एक्टिंग लाइन बहुत पसंद रही से तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मैं यहाँ गोल मार दें वैसे मैं 12th तक करे हूँ और बाद फिर आगे पढ़ाई वगैरह नहीं करें बस मोर पढ़ाई जो है कलाकारी छे। कलाकारी जी। तो मैम ये कलाकारी लाइन में कैसे आप मन के एंट्री हुई से फिल्म में तो आप मन देखे हैं मोर छैया भुइया में ओकर अलावा भी बहुत अकन एल्बम में काम करे हो भी बहुत अकन छत्तीसगढ़ी फिल्म है तो कतेक आप मन के उम्र ही से तब से जुड़ गए हो ये लाइन से आप मन हाँ। मैं तो वैसे चाइल्ड कलाकार के रूप से मैं काम करत हूँ बहुत बचपन से काम करत हूँ और जब मोर छैया भुइया फिल्म नहीं बने रही से ओकर पहले तो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह चलाते थे जैसे स्टेज शो वगैरह हम मन करते रहे हाँ। तो लोक मंजरी करके एक संस्था रही से उसमें हम मन जुड़े रहे हैं उसमें मैं काफ़ी समय तक मैं जुड़े रहे हूँ। उसके बाद फिर दीपक चंद्राकर जी है लोक रंग अर्जुनदा उसमें मैं लंबा टाइम मतलब रही से मेरे ख्याल से 10-12 साल तक मैं कंटिन्यू वहाँ शो वगैरह करें करत करत फिर अचानक से छैया भुइया के ऑडिशन के ऑफर इससे मेरा मोर करा कि संजू जी ऑडिशन है आप आएंगे क्या करके तो गए तो ऑडिशन ली से सतीश जैन भैया हाँ। तो वो मला हीरोइन के छोटे से एक डायलॉग मोल बोले तो अच्छा लगी सी बोले ये तो ठीक है ओके है ये कैरेक्टर रोल है ये माँ का रोल है बेटा इसको थोड़ा तू बोल के दे तो मोल बोले तो बहुत पसंद आ गई।
तो बोले बेटा तू ये वाला रोल कर लेते, देखो बहुत अच्छा सूट करेगा। देखो हीरोइन का तो कोई भी कर लेता है, लेकिन कैरेक्टर रोल करना बहुत बड़ी बात है, तू इस कर ले। हमें तो लड़का जाते हैं, मैं बोले हाँ ठीक है कर लूँ ऐसे करके। तो फिर छैया भैया मैं दोनों हीरो के माँ के रोल करे रही हूँ, ऐसे फिर फिल्म के दौर शुरुआत हुई इसमें। तो मैम आप मन के ऑडिशन यही भिलाई में हो रही से, और ऑडिशन के बारे में कैसे आप मतलब जानकारी हो रही इसका आखिर माध्यम से गे रहे हो? हाँ शिव कुमार दीपक अंकल जी है ना, शायद वो हाँ मोर पापा ला कॉल करे रही से कि बॉम्बे से कोई आ है इंटरव्यू चला थे तो संजुला लेके आ जाओ, तो ओकर द्वारा ही मोला ये पिक्चर मिली है जी। तो वो समय जब ऑडिशन में डायलॉग बोले रहो कुछ याद हो ही मैम आप मन ला? अब ये तो देखो 20-22 साल हो गए तो वो डायलॉग तो मुझे याद नहीं है, डायलॉग तो मुझे याद नहीं है, नहीं बोल पाऊँ मैं। हाँ जी जी हाँ। वो समय कतेक जन कलाकार मन ऑडिशन दे बर गए रही सब, बहुत जन कलाकार रही सोई, तो कहीं ना कहीं एक रहीस हुई मन में कि मोर सलेक्शन हो ही कि नहीं हुई, यहाँ तो बहुत जन मन आए ऑडिशन दे बर, का सब चला था इस मन में? मतलब डर बहुत लगत है, इसको जानी काय काय डायलॉग बोलवाही काय बोले लगी काय, मतलब अब लड़का जाते रहे हैं कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है जो हुई देखे जाही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपन तो स्टेज शो वाले हैं अपन प्रोग्राम में ही खुश हैं ऐसे, मतलब दिमाग में, लेकिन थोड़ा मन में डर रही से अगर हो जाए तो अच्छा है, बड़े पर्दम दिख जब नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पर देख ऊपर वाले के दया से सेलेक्ट हो गई जी, सेलेक्ट हो गए और सुपर डुपर हिट फिल्म, सुपर डुपर हिट हो गए उस समय में। और आप मैं याद हुई खलनायक फिल्म लगेरी से चंद्रमोरिया में छैया भैया, पहले तो मैं खलनायक फिल्म देखे पर गे रहे हूँ, मतलब थोड़ा पहले की बात बतात हूँ, और वही थिएटर में मैं अपन छैया भैया फिल्म ला और वही सीट में बैठ के मैं देखी, मतलब इतना खुशी उसमें, बोले बाप रे कुछ समय पहले मैं बॉलीवुड की पिक्चर देखे पर मैं थिएटर में आ रहे हूँ, वही कोना और वही सीट में मैं अपन पिक्चर ला देखा था, तो मुझे इतना गर्व महसूस हुई कि क्या बात है मैं भी स्टार बन गया हूँ यार जी। हाँ तो बहुत अच्छा लगे सर छैया भैया के टाइम में, तो मतलब लोगन मन तो हम एकदम भगवान जैसे मतलब माने धली से एकदम, जब हम ना जैसे प्रमोशन पर जान बिलासपुर है पूरा छत्तीसगढ़ घूमे हैं, तो जहाँ गाड़ी रुके ना तो वहाँ पूरा कॉलिन बिछा दे और पूरा फूल बिछा दे, तो फूल में हम मन चलन इतना मतलब भारी भरकम स्वागत करें मन, तो मतलब बहुत अच्छा लगे कि अचानक से सब हो गए, तो बहुत खुश हो कि नहीं भाई चलो ये भी एक अलग अनुभव है, तो वो चीज़ हमें देखे नहीं इसे जी। आप मतलब उम्मीद रही से और ये फिल्म इतना सुपर डुपर हिट होई करके जब आपन काम करत रहे हो शूटिंग सब चले कलाकार मन बैठत रहो, तो का चर्चा चले का गोड़ बात चले रिलीज से पहले? उम्मीद तो उस समय में तो ऐसे हो गए जैसे देखो छत्तीसगढ़ी फिल्म ना कोई स्थान नहीं मिला रही से है ना, बहुत मुश्किल से बहुत जद्दोजहद करे के बाद मुश्किल से चंद्रा मौर्या थिएटर मिली से, ओकर बाद रायपुर के बाबूलाल टॉकीज चला थी से उस समय दो ही थिएटर मिले रही से। अच्छा। बहुत मुश्किल से मोर ख्याल से सतीश भैया बहुत स्ट्रगल करी से पिक्चर लगाए, पर बहुत मेहनत करी से है ना, तो बहुत ले दे के छत्तीसगढ़ी फिल्म में, और छत्तीसगढ़ी फिल्म में तो वैसे भी आदमी अच्छा मन से मतलब पसंद ही नहीं करत रही से, और जब पिक्चर लगीस और जब उसका रिजल्ट आईस तो फिर सब जगह से थिएटर से फ़ोन आना शुरू हुए कि नहीं हम भी लगाएंगे हम भी लगाएंगे, पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दी थी इसे, तो जब ओकर रिजल्ट देखीस ना तो सब मन फिर लगाए तैयार हो गए, तो बहुत संघर्ष करे पड़ी से सतीश भैया ला तो, लेकिन आज ओकर मेहनत है जो आज भी इतना अच्छा अच्छा पिक्चर देती है जी। ये फिल्म के बारे में जैसे बात करबो मैम, कहानी तो ज़बरदस्त है चे, गाना मन भी जब लाजवाब है, फिल्म के शूटिंग है ज़्यादातर कहाँ हो रही है इसमें इस बारे में अपन दर्शक मतलब बताना चाहें? ज़्यादातर तो भिलाई में ही हुई से और कुछ रायपुर में और कुछ जो है बॉम्बे में हुई से, तो बॉम्बे में जो कोर्ट वाला सीन रही ना उलहमन बॉम्बे में जाके करें मैं भी गे रहे हूँ, और डबिंग वगैरह भी बॉम्बे में हुई से, लेकिन ज़्यादातर शूटिंग भिलाई में हुई से। हाँ ये तो इसमें मोर छैया भैया के बारे में जानकारी दे आप मन अपन बारे में भी आप मन बताओ अमर संगवारी मल्ला, ये तो छैया भैया फिल्म में जब काम करे थे एक बारे में आप मन बताओ, एक पहली आप मन एल्बम में भी काम कर चुके रहे हो, तो वो में कैसे काम होता चलत रही आप मन के एला भी बताओ, और कौन सा एल्बम में आप मन कर चुके रहो छैया भैया फिल्म से पहले? जी छैया भैया के पहली तो
एल्बम शुरुआत बोलना चाहिए हम ही मन करे रहन लोकरंग अर्जुनदा से ममता चंद्राकर जी के 8 गाना के एल्बम रही से, तो वो दौर में हम शुरुआत करे रहन 8 गाना के, तो मैं फेमस गाना रही से जब मैं लीड रोल करे रहे हूँ। एक तो गोदना गोदा ले री था ले ले रे ले ले रे बहुत फेमस हो रही से, और दूसरा गाना है बेल तरी बेलन बेलन तरी ढो बहु डोंगरी माँ सजन भाई मो जान पर ही तो लाल जही का गमोला राउत भैया हो। मैं कोरियोग्राफी भी मैं करे रहे हूँ, तो ऐसे शुरुआत हुई से ओकर बाद तो फिर कंटिन्यू दूरदर्शन में बहुत सारा सीरियल करे हैं, गाना करे हैं, और अब तक के मैं 1500-1600 स्टेज शो कर चुकी हूँ। तो इसे एल्बम की शुरुआत हुई से और एल्बम में कम से कम 200-250 एल्बम में कर चुके हूँ। जो लेटेस्ट गाना अभी बहुत अभी भी चलते फेमस हो है हाय डारा लोर गेहरे बैठी नहीं चिरैया डारा लोर गेहरे, ये मोर मतलब मोरे नहीं सबके फेवरेट गाना है, और जब भी स्कूल कॉलेज में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होती तो ये गाना ला जरूर इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये गाना में परफॉर्मेंस करते हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारा मैं गाना करे हूँ। मैम उस समय जब आप मन काम करो बहुत पहले के से जुड़े हुए हो, तो अब तो बहुत संसाधन आ चुके, वो समय कहीं ना कहीं संसाधन के कमी भी रही से, तो वो दौर में कैसे चले आप मन के काम होता कलाकारी के कलाकार मन के जीवन है कैसे चले है? और जो साधन के हम बात करबो संसाधन के बात करबो नहीं रही से, तो ओकरो अनुभव बताओ कि का कुछ रही सो समय के दौरान। देखो हमर मन के टाइम में तो ना स्ट्रगल बहुत रही से, मैं खुद भी बहुत स्ट्रगल करी हूँ। शुरू शुरू में जब लोक कर लोक मंजरी से जुड़े रहे हूँ तो मैं ग्रुप डांस करते रही हूँ, और काबर की मुझे सबसे ज़्यादा हाइट रही से, तो मुझे सबसे पीछे में रखी कि अरे संजू तोर हाइट बहुत ज़्यादा है ताते पीछे में रहे। अच्छा। तो मोला बड़ा बुरा लगे कि अरे यार मैं इतना अच्छा डांस करता हूँ मोला सबसे पीछे रखते, मोर भी इच्छा कि मैं भी लीड एक आध गाना करूँ है ना, और ऊपर वाले शायद मोर प्रार्थना ला सुनी तो एक गाना में मोला लीड करे के मौका मिली। ऐसे करते 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 फिर मैं लीड हीरोइन के रोल में आना शुरू हुई। तो हमारे दौर में ना बहुत स्ट्रगल करें बहुत ही ज़्यादा, अभी तो ना शक्ल सूरत अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा एक्टिंग नहीं भी आई तो चलें, लेकिन वो समय में आर्ट ला ज़्यादा महत्व दे बहुत ज़्यादा, एक एक एक्सप्रेशन। और आप मतलब बता दूँ मोर पर गर्व की बात है कि मैं हबीब तनवीर जी के साथ भी काम करी हूँ, तो उनके साथ में मतलब काम करके मतलब हिंदी नाटक रही से उसमें वो डायरेक्टर रही से, तो उनके साथ भी हमला काम करे के बहुत बड़े सौभाग्य मतलब मिली से, अभी तो वो नहीं है दुनिया में, ऐसा मतलब हमारे मन के टाइम में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी स्ट्रगल वाला कोई चक्कर ही नहीं है। आज का तो अब सोशल मीडिया जमाना है, इंस्टाग्राम में रील बनत है तो फट से काम। हमारे मन के टाइम में ना अगर पेपर में नाम भी आ जाए ना तो हम खुशी से ना सब जना दिखा ये देखो हमारे मन के नाम छपे है, और जब फोटो आ जाए तब तो हाय तो मतलब इतना खुशी हो, अब तो सब चीज़ अपन हाथ में तुरंत फोटो खींचो जैसे चाहो वैसे खूबसूरत बना लो है ना। वो समय में जब इंटरव्यू लेके जाए और जब फोटो छपे ना तो हम इंतज़ार करें कि कब वो इंटरव्यू आए कब हम अपन फोटो ला देखन ऐसे रहे, तो अभी तुरंत क्लिक करो तुरंत निकल जाते हैं। मैम आपन के पहली एल्बम कौन सा रिलीज हुई जब शूटिंग हुई सो ही कोई रिकॉर्डिंग ऐसे है तो? पहली एल्बम तो अपना अंचल करके रिलीज हुई जेकर डायरेक्टर प्रेमचंद राकर जी है, और जेकर पूरा गाना तो ममता दीदी गा रही से है ना, तो वो रिलीज है। ओकर बाद काफ़ी टाइम के बाद भिलाई से ही है फिर एक एल्बम हम लोग कर रहे हैं शुरुआत, ओकर मतलब याद नहीं आते डायरेक्टर के सॉरी माफ़ी चाहूँ, पहला एल्बम हम शुरुआत करे रहे हैं मतलब वो सेकंड एल्बम होगी, ओकर डायरेक्टर है याद नहीं आते सॉरी मैं बहुत दिन हाँ, तो डायरेक्टर के याद नहीं आते, तो सेकंड शुरुआत भी हम करें एल्बम के वो भी सुपर डुपर हिट हो रही से, तो ऐसे एल्बम के दौर चली तो फिर कंटिन्यू हमारे पे चली। और सही भैया फिल्म आए के बाद जो आप मल्ला प्रसिद्धि मिली सोही ओखर बाद तो बहुत अब आप मल्ला काम मिली सोही में, ओखर बाद आप मन कते कन फिल्म में काम करे हो और छत्तीसगढ़ी फिल्म में तो काम करे हो, ओखर अलावा भी दूसर भाषा के फिल्म में भी अपन काम करे हो या फिर नाटक सीरियल ओखरों बारे में बताऊँ मैम।
वैसे तो मैं अब तक 150 के आसपास में पिक्चर कर चुके हूँ। और बताऊँ कि सबसे पहले तो मो छैया भुइया रही से, ओकर बाद में एक पिक्चर करे रहे मैं हिंदी फिल्म है वर्ण शंकर करके, बहुत अच्छा कहानी रही से, वो नक्सलाइट के ऊपर से वो बने रही से, वो मैं लीड में हीरोइन रहे और प्रकाश अवस्थी जी मोर हीरो रही से, और भरत भूषण जी जो है वो भी वो में मतलब काम करे हैं। तो पता नहीं बैड लक है कि काय को रिलीज़ नहीं हो पाई, लेकिन बहुत अच्छा रही से। उसके बाद में हाँ एक मैं उड़िया फिल्म करे रही हूँ, वो में मैं हाँ नर्तकी के रोल करे रही हूँ, राजा रजवाड़े के ज़माने के जो होते ना वो पैटर्न के पिक्चर रही से, वो में नर्तकी के रोल करे रही हूँ, और वो में मोला बेस्ट नर्तकी के अवार्ड मिले रही से। और जब अवार्ड शो हुई ना तो मोला तो मालूम नहीं रही से, बाद में बताइए कि अरे संजू जी आपको बेस्ट नर्तकी का अवार्ड मिला, आप कहाँ हो क्यों नहीं आते हो? बोली मेरे को तो पता ही नहीं था सर आपका अवार्ड रखा हुआ है, आप आके ले जाओ। अब भिलाई दुर्ग तो है नहीं कि चलो बस लिए गाड़ी लिए और निकल लिए, अंबिकापुर में शूट हो रही सो पर है ना, तो एक उड़िया फिल्म करे तो मतलब बेस्ट नर्तकी के अवार्ड मिले से। और एल्बम के टाइम में छोटे छोटे सीडी फिल्म भी बने है ना, तो बंटवारा एक फिल्म करे रही मैं हाँ, और मैं मतलब बेस्ट नायिका के अवार्ड मिले रही से। और वीडियो वर्ल्ड के फिल्म में करे रही हूँ जय महामाया, और मैं खलनायिका का रोल कर रही हूँ, तो मतलब बेस्ट खलनायिका के अवार्ड महेश भट्ट के हाथ से मिले रही से। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड वगैरह मिले हैं आप मन के दया से आशीर्वाद से, और इसने बनी रही तो वो आगे अच्छा अच्छा काम कर रही। मैम बॉम्बे के कलाकार मन सन भी आप मन काम होता करे हो? हाँ बॉम्बे के कलाकार जैसे कि शक्ति कपूर जी है, अरुण गोविल जी है, सुधा चंद्रन है, और देश में निकला होगा चांद में जो संगीता घोष है ओकर साथ काम करे हैं, तो अति बड़े बड़े कलाकार के साथ हमारा काम करे के मौका मिली से ये हमारे मन बहुत बड़ी बात है जी। संस्कृति के संस्था लोकरंग अर्जुंदा से आप मन के जुड़ाव बहुत दिन तक रही, जैसे कि आपन बतात रहे हो, उखरो अनुभव बताते हो सांस्कृतिक कार्यक्रम देवर जब गांव-गांव में आप मन जाते हो तो कैसे रहा है अनुभव, कैसे रहा है माहौल पहले के ज़माना में, उहुल थोड़ा बताते हो मैम। वो समय सांस्कृतिक कार्यक्रम के तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर रही से, और हमर मन के प्रोग्राम तो इतना फेमस रही से कि लोग बागमन तो रात भर मतलब मैं आप मतलब एक हादसा बताता हूँ, हमन प्रोग्राम कराते हैं लोकरंग अर्जुंदज के रही से, अचानक से ना बारिश शुरू हो गई नवरात्रि के टाइम रही से, खूब ज़ोर से बारिश होते थे और हजारों में पब्लिक बैठे हैं, हज़ार से भी ज़्यादा रही सो हुई है ना, अब बारिश होते अब हमन ये सोचा था इनके पब्लिक मन भागे तो हमन प्रोग्राम लग बंद कर वो मन भागे के नाम में नहीं ले हाँ, अब एक गाना करें उकर बाद अनाउंस करें इसके भाई पानी गिरा थे तो हमन प्रोग्राम नहीं करें, तो पब्लिक मन चिल्लाना शुरू हुए अरे नहीं 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 प्रोग्राम करो हम देखेंगे, तो भाई पानी गिरा थे तो कैसे करूँ, पानी ला छोड़ो ना जी आप मन प्रोग्राम करो हम भीगत देख वो प्रोग्राम, मतलब इतना क्रेज रही से छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम के कि पूछो मत। अब वो समय मैं गाना करत रही हूँ एक गाना रही से मुझे याद नहीं आते जो बहुत फेमस रही से, हाँ परी बन के नहीं नाचते ना पुलका बोलती दो जोकर रही थे एक परी बन के गम्मत गम्मत सुता नहीं देखा था अब बड़े दिन हो गए चलो जो भी है, तो वो समय में वो उस टाइप के गाना बहुत दौर चला थी से, तो मैं है ना दो जोकर रहा है और मैं एक परी बन के निकलूँ तीन ठन लोटा लेके आई हो करके गाना गा के जो निकलते ना, तो जब मैं डांस करूँ तो पब्लिक में ना शर्त लगे कि ये लड़का हरे जनाना हरे तो लड़की बना दे हैं, तो एक बार ना 500 रुपये के ना शर्त लग रही सर, वो ज़माने में 500 रुपये मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होते रही से है ना, तो पब्लिक मन कुछ मन मोला जानत रही से मतलब काफ़ी मन जानत रही से, तो नवा व्यक्ति जो बोलीस कि ये लड़का हरे यार, तो जन बता रहे नहीं ये लड़का नहीं लड़की हरे, कहाँ से लड़की लगते तो पूरा लड़का जैसे डांस करा थे, तो नहीं नहीं ये लड़की है, तो शर्त लगी 500 की। जब वो मैं गम्मत वाले वो जो गाना जब मैं करके जब वापस आए फिर मैं अपन नॉर्मल गेटअप में आ, और जब वो आई तो बोले यही लड़की हरे डांस कर यही हरे बाप रे वहाँ तो एकदम जनाना मन डांस करते वैसे डांस कर रहे हो मैं अलग दिखा था, तो बोले यही है आर्ट यही है टैलेंट। और
एक नागपुर के फिल्म करे रही मैं दाई फिल्म करके, तो ओमे भी मैं लीड रोल करे रही हूँ, जेकर डायरेक्टर विजय सर हरे, तो ओमे मैं 20 साल से ले के 80-90 साल तक के रोल करे हूँ, मतलब 3 करेक्टर निभाए हैं, तो ओमे भी मतलब बहुत अच्छा मौका मिली। और ये मोर बहुत बड़ी बात है कि अति बड़े बड़े डायरेक्टर मन के साथ काम करे के मौका मिलते, तो यंग वाले जब रोल करें तो बढ़िया, जब बुढ़ापा के रोल ऐसे ना तो पब्लिक मन थे कि बोले ये वही लड़की है क्या, आवाज़ भी अजीब सा लग रहा है, मतलब एक बुज़ुर्ग का, तो बोले नहीं ये वही है, संजू जी है, पहले 20 साल की थी अभी 80 साल की हो गई है। तो मतलब ये आर्ट है, अपने करेक्टर के हिसाब से आप ढाल लो, वही आर्ट है। मैं मोर छैया मुहैया के टाइम में हम 18-20 साल के रहे हो, मोटा से कौन जानी सुरता नहीं आते लड़का जाते रहे, मत समझ नहीं आता लेकिन पता ही नहीं चले जैसे मेकअप के कमाल। हाँ। पता नहीं चले, अरे मतलब जब बुजुर्ग बनाए ना अब चेहरा की मासूमियत कहाँ जाए, पर अभी भी अगर कोई बतावे ना कि छैया भाई हम ये रोल करे है माँ के रोल का, तो कोई यकीन नहीं करे कि नहीं ये हो ही नहीं सके। अब स्टेज शो में अनु शर्मा में हम मन डांस करा था, और पब्लिक मन बोलते ये उसकी माँ हो ही नहीं सकती, उसकी माँ तो हो ही नहीं सकती, अरे भाई वो कैरेक्टर है, करेक्टर है ना, करेक्टर में जो ढल गए वही असली कलाकार। रियल लाइफ और रियल लाइफ में यही तो फर्क है ना। और बहुत पहले एक हम मन कार्यक्रम करे पर गए रहे हैं चिरमिरी गए रहे हैं, वहाँ भी स्टार नाइट रही से, तो वहाँ बुलाए रही से हम मल है ना, तो आयोजक अब देखो मैं रियल लाइफ में तो बहुत धीरे से और शांति से बात करती हूँ, आराम से चलती हूँ, तो अगर जो आयोजक रीस ना बोलीस ये हीरोइन है क्या, ये डांस करेगी, हाँ लेकिन इसको देख के लगता नहीं ये डांस कहीं से भी कर पाएगी, ये तो बहुत धीरे धीरे चलती है तो चीटी भी नहीं मरेगा, मतलब पता नहीं मेरे को तो डाउट हो रहा है ऐसा वैसा करके, मतलब वाला कॉन्फिडेंस नहीं रही इसके, सीधी सादी सी लड़की बैठी है ये डांस कर पाएगी कि नहीं, जब मैं डांस करें डांस करके जब आए तो वही व्यक्ति आके बोलते बाप रे संजू जी आप रियल लाइफ में इतना शांत और इतने सीरियस रहते हो और जब डांस के तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा, मतलब वो मैं डांस ला देख के फ़ैन बन गई, बोले मैं आपका फ़ैन बन गया हूँ। आप मन के फैन तो मोर छैया भुइया टाइम के पूरा छत्तीसगढ़ के दर्शक मन बन गए। और हाँ माया पिक्चर भी बहुत फेमस रही इसे, माया पिक्चर में मैं यहाँ चंपा कली का रोल कर रही हूँ, तो वो रोल में तो इतना फिदा है लोग, बुजुर्ग से ले के जवान से ले के बच्चा से ले के सब मन बहुत पसंद करते हैं। और आज से मैं 7-8 साल पहले मैं नागपुर गई हूँ शिवसेना के प्रमोशन पर, तो बॉम्बे से भी कलाकार मन आ रही से, हेमा मालिनी आ रही से और रानी मुखर्जी आ रही से, ऐसे ना बॉलीवुड के काफ़ी कलाकार मन आ रही से, और विनोद कामली जी हैं खिलाड़ी वो भी आ रही से, तो छत्तीसगढ़ से मोला बुला रही से, तो मैं अपने कोरियोग्राफर और मैं मोर पापा हमन तीनों जान गए रहे, तो हमन मंच में जब चढ़े ना तो सबके परिचय हुए, सब बॉलीवुड वाले मन तो सब जानते थे ना, फिर उसी समय में माया पिक्चर लगे से बोलिस के माया पिक्चर के चंपा खलिया ही करके, तो पब्लिक मतलब ना बॉलीवुड के कलाकार छोड़ के मोर तरफ जो आना शुरू हो गई इसमें, मतलब भागो रे, मतलब लाखों में पब्लिक काफ़ी रही थे नागपुर में, मतलब छत्तीसगढ़िया मन, तो ओला छोड़ के मोर तरफ आना शुरू हो गया, मतलब इतना फैन, तो बोले कि ये कौन है भाई, हम लोग आए हैं हम लोग को कम वो मिल के इनको ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है क्या है। तो फिर दूसरा दिन ना विनोद कामली जी है हम उनका होटल में रुक रहे हैं, वो संजू साहू जी आई है ना उनसे मिलना था, अब मैं वही समय में तुरंत नहा के निकले रहे हैं, अरे विनोद कामली जी बुला के चलो ना थोड़ा देर के लिए, फिर गए तो हाथ में मिले, आपके तो बहुत बड़ा फैन है यार, मैं बोले बस आप ही लोग का आशीर्वाद है सर, कहते नहीं नहीं गुड गुड बढ़िया ऐसा करके अच्छा से बात बात करें। माया पिक्चर नागपुर में उस समय बहुत चली थी ना मैम, सिर्फ नागपुर में नहीं पूरा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में के अलावा मतलब अन्य राज्य की बात करो तो वहाँ नागपुर में मोर्चा से 4-5 लाख छत्तीसगढ़िया रही थी, तो वहाँ भी मतलब माया पिक्चर में ये रेमटा और चंपा कली ये दो कैरेक्टर ना तो इतना पसंद करते कि पूछो नहीं।
तो वही है, जो भी रोल मिलते हैं मन कोशिश करथन कि अच्छा से अच्छा करन, रोल निभा सकन। बाकी पब्लिक मन तो है, अब हमारे मन तो सबसे बड़े भगवान पब्लिक है, पब्लिक है तो हम मन हम तो सेती दादा हो हमारे मन के पिक्चर लगते ना, तो आप मन देखे बस जरूर आए करो, काबर कि हम मन बहुत मेहनत करथन, बहुत संघर्ष करथन आप मन के मनोरंजन बल, तो आप मन जरूर आए करो। ये नहीं कहा कि मैं जब मैं काम करता हूँ वही देखना, ऐसे नहीं। छत्तीसगढ़ में जितना भी पिक्चर बनते वो हमारे घर की पिक्चर ही है ना, तो बस आप मन से रिक्वेस्ट है काकरो भी पिक्चर बनते, सब हमारे एक छालीवुड परिवार हैं, तो हमारे मन के जो भी पिक्चर लगते ना अपन जरूर आके आशीर्वाद दे करो और हिट करे करो। मैम आप मतलब शुरू से बॉलीवुड के हिंदी फिल्म के कौन से ऐसे कलाकार है जिन बहुत पसंद आए उखरे फिल्म मतलब आप मन देखा हो या गाना मतलब सुनो कोई सिंगर के? मोर फेवरेट हीरोइन इसे श्रीदेवी, बचपन से मैं उसका पिक्चर ला देखाता हूँ और जब मैं उसका एक्टिंग ला देखो ना तो मतलब मोर अंदर में एक वो रहा है कि काश में भी श्रीदेवी जैसे एक्टिंग करती, मोला भी पब्लिक देखती, तो मतलब ना एक वो मोर वो हरे कि मोला देख के मैं वैसे रोल करूँ एक्टिंग करूँ, तो हाँ आदर्श रही से, तो वहाँ से मोला एक इच्छा जागी। और हीरो में बोलूँ तो बादशाह अमिताभ बच्चन जी हैं वो हैं, ओकर बाद और भी बहुत है। और ब्लैक एंड वाइट के ज़माना में कहूँ तो वो ज़माना में सुनील दत्त जी हैं और आपके मधुबाला जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, ये मन सब मोर फेवरेट हैं जी। मैम आप मन एक्टिंग करते हो, डांसिंग करते हो और गाना भी गाते हो आप मन, हाँ ओकर अलावा भी आप मन लाऊ का करना पसंद है? ओकर अलावा गाना गाना तो मोर पसंद है, है ना, एक्टिंग तो पसंद है ही। और का है और खाली पीली समय में कुछ आप मन के? खाली पीली समय में बस गाना गुनगुनाना है, नए नए चीज़ सीखना है, नए नए जो कलाकार आते हैं, नया पुराना जो भी कलाकार हैं, जैसे पुराना फिल्म है उसका कटिंग देखो, मैं वहाँ से कुछ सीखे के कोशिश करता हूँ। नया कलाकार मन के कुछ फिल्म आते मैं ओकर से भी सीखे कोशिश करता हूँ कि मैं इकर में से का नया चीज़ सीख सकूँ, तो ये सब चीज़ है कि मैं बारीक बारीक चीज़ सीखे के कोशिश करती हूँ। गाना जिक्र कर रहे हो मैम तो बढ़िया एक आठन बढ़िया सुघर से हमारे छत्तीसगढ़ी की सुनाते हो, कहते रहे हो छत्तीसगढ़ी गाना बिल्कुल सुना दूँ, अभी के गाना सुनाओ कि पुराना गाना सुनाओ? अब आपके जो एकदम प्रिय है। अब बेल तरी बेलन ये मतलब सुना रहे तो एक घाव और सुना रहे का जी बिल्कुल कि दूसरा गाना सुना है वो ममता दीदी को वाले गाना गा देता हूँ जी, मोर फेवरेट भी है। बही बना दिए रे बूंदेला पगली बना दिए ना, बही बना दिए रे बूंदेला पगली बना दिए ना, तेहा का जादू डारे रे उहारा पगली बना दिए ना, मोर फेवरेट सॉन्ग। बहुत सुंदर मैम। मैम अभी अपन वर्तमान में और कोई संस्था से जुड़े हो, अभी कोई कार्यक्रम मन में जात हो अपन ओकरो बारे में बताओ? हमारे खुद के संस्था है गोपाल क्रिएटिव संस्था, जैमे गीत संगीत सिखाए जाते हैं, और हमारे संस्था से कम 250 सिंगर निकले हैं, और रायपुर में जितना भी करोके सिंगिंग करा थे आज से 7 साल पहले करोके का होते कोई नहीं जाना था इससे, तो शुरुआत हम ही मन करें, मैं और मोर पापा वेद प्रकाश बाजी, तो मैं गाना भी गाता हूँ और गाना के अलावा बहुत सारा चीज़ है, मैं कथक में डिप्लोमा भी करे हूँ, याद आ गए नहीं तो भुला जा रही थी संगवारी में नहीं जान पाती इसे। हाँ अब कुछ याद आ तो सब लोग बताऊँ कथक में मैं डिप्लोमा करे हूँ, भट्ट सर करके रही से यहीं भिलाई से ही मैं कोर्स करे हूँ, तो वो मैं सीखे हूँ भैया, मैं सुरता आ गई नहीं तो अभी भुला जा रही थी यही सब तो जानना है करके आप मन के बीच में आना जी जी देखो एक हम इंटरव्यू में सब चीज़ नहीं आ सके ना, और थोड़ा थोड़ा याद आता है, अब नेक्स्ट टाइम अब आऊँ ना कब मैम, तो अब कुछ नया नया चीज़ दिमाग में रही ना तो मैं बोला बताऊँ, फिलहाल अतने में संतुष्ट रहे लगी संगवारी मल्ला। हाँ अतके में अतके नहीं भाई, मैं बहुत सारा पिटारा खोल दी हूँ जी। अभी आने वाला समय में अभी आप मन के कोई फिल्म आत हुई मैम? हाँ अभी मोर पिछले साल 2 पिक्चर रिलीज हुई से, एक तो नोनी की अनहोनी और दूसरा पिक्चर है कका जिंदा है, जेकर डायरेक्टर सलीम खान जी हैं, और अभी तीजा के लुगरा पार्ट 2 की शूटिंग चला थे, मतलब शुरू होने वाला है,
जैमे करण खान ही हीरो है, मैं काम करत हूँ। और विजय सर नागपुर के जो हैं बहुत अच्छे डायरेक्टर है, दाई फिल्म के डायरेक्टर है वो हैं। और माया के दुश्मन जो बन गए हैं, जो रिलीज़ होने वाला है, वो अगले महीना रिलीज होगी। और कुछ आप मन के चाहने वाला मतलब कुछ कहना चाहो, बोलना चाहो? वही तो मैं रिक्वेस्ट करें, अभी थोड़ा देर पहले कहूँ कि संगवारी हो, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। एक पिक्चर बनाए में पैसा तो जाते, समय भी जाते, मेहनत भी बहुत करते हैं। तो जैसे आप मन टॉलीवुड फिल्म ला, बॉलीवुड फिल्म ला जितना महत्व देते हो, वैसे हम छत्तीसगढ़ की फिल्म ला घोलक महत्व दे, और थिएटर में ज़्यादा से ज़्यादा आओ और ढेर सारा आशीर्वाद दो। मैं यही अपील करती हूँ आप मन से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप मन कीमती समय निकाल के समय देखो गुड बात करो खाली, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर जी जी, धन्यवाद। तो संगवारी हो कैसे लगी साहब मन ला मिल के, संजू साहू जी से मिल के, आप मन जरूर कमेंट करके बताओ। और मिलथन और नवा कलाकार के संग में देखत रहो आप मन अपन मोर मितान चैनल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लाइक और शेयर जरूर करना। जी जी।